अब हम अपने ग्रामर का अगला लेसन पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले लेसन बताया, मैंने तुम लोगों को पहले लेसन बताया था कि अल्फाबेट कितने होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन में कि नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड हम लोग के आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी ना किसी कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी का भी कुछ नाम होगा, चाहे माँ तो बोलते ही बोलते हो गए, तुम्हारे पापा का कुछ नाम होता है, तो उसका कुछ नाम होगा। पेड़ का नाम होता है, किसी एनिमल का नाम होता है, हम लोग के चेयर का नाम होता है, तो यही सभी नाम हम लोग के नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पीपल प्लेस एनिमल और थीम आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी पीपल, किसी भी एनिमल, किसी भी थीम का नाम ही हम लोग का नेमिंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, नेम ऑफ पीपल राम सीता, किसी ना किसी लड़की का नाम होता है। ठीक है, किसी लड़की का नाम, जैसे कि नेम ऑफ प्लेस बैंक मार्केट, किसी प्लेस का नाम है, तो ये हम लोग का नेम वर्ड हो जाएगा। नेम ऑफ एनिमल्स टाइगर मंकी कैट डॉग, ये सब क्या है, एनिमल के नेम है, तो ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। बाकी तुम लोग के बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तुम उसको पढ़ोगे। जैसे कि हम लोग का चौथा है नेम ऑफ थिंग, केक जग चेयर टेबल, ये सभी क्या है, वस्तुओं के नाम है, थिंग्स के नेम है, ये सभी क्या हो जाएंगे, नेमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन देखो नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं, इसको तुम लोग अच्छे से अपने दिमाग में रखे रहोगे। देखो जैसे है नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, यह हम लोग का सेकंड लेसन ओवर हो गया है, तुम लोग एक्सरसाइज करोगे और एक्सरसाइज से रिलेटेड लेसन से रिलेटेड तो अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तुम लोग ऐप पर पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुम लोगों का जवाब दूंगा वहां पर। ठीक है, थैंक यू।